रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रेडिक्शन में। तो मेरे भाई बैक टू बैक और बैक टू बैक, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले T20I मुकाबले में जहाँ पूरी की पूरी मार्केट इंडिया को विन करा रही थी, जहाँ पूरी की पूरी मार्केट इंडिया पर लगाई कर रही थी, और वहीं पर मेरे भाई हम लोगों ने, मेरे बंदे ने, मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने सीधा न्यूजीलैंड को विन करा। 45-50 पैसे इंडिया पे पूरा फुल लिमिट सिखाया और सीधा का सीधा न्यूजीलैंड विन किया, और पूरा मार्केट उस दिन माइनस गया था मेरे भाई। और वहीं पे हमारी पर्सनल मार्केट, हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के सारे फॉलोवर्स वहाँ पे मिनी जैकपॉट कैश किए थे और फुल मोटा कमाई हुआ था, बहुत ही तगड़ा कमाई हुआ था। दूसरी चीज कि मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर अभी भी अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करके रखा हुआ है मेरे भाई, तो जिंदगी का सबसे बड़ा भूल कर रहे हो। जो काम, जो जिस काम के तलाश में आप लोग मार्केट में भटकते हो, घूमते हो, नए नए टिप्पर्स को ढूंढते हो, नए नए यूट्यूबर्स को ढूंढते हो कि कोई ऐसा हो जो कि अमूमन कुछ मैच 10 मैच 7 मैच 8 मैच पास दे, मेरे भाई उससे भी तगड़ा काम, 100 गुना बेहतरीन लजीज काम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर विकेट कॉल के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो मेरे भाई, फॉलो कर लो, क्योंकि अगर अभी भी अगर आप लोग मिस कर दोगे ना, बैक टू बैक कमाने वाला टाइम है, मोटा प्रॉफिट करने वाला टाइम है। अगर इस टाइम पे अगर आप लोग मिस करोगे, सिंपल सी बात है कि आप लोग टेलीग्राम में लमसम 25-30 टिप्पर्स को आप लोग फॉलो करके रखते ही होगे, एक बस मेरा टेलीग्राम चैनल एक बार फॉलो कर लो, केवल काम देखो। मत मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मैचेस पे खेलो, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा काम देखो, बाकी आपको आप मुझे फॉलो करने लग जाओगे, इस चीज़ के लिए मैं आपको मजबूर कर दूंगा अपने काम से, क्योंकि मैं ज़्यादा बकवास नहीं, मैं ज़्यादा काम करने बिलीव रखता हूँ। काम करके निकाल कर दिया मार्केट को अपने टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, अगेन बोल रहा हूँ जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर लो। फॉलो नहीं भी करना जाकर केवल काम देखो, फॉलो करने पर मजबूर हो जाओगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि एक ही दिन में 3-3, 4-4, 5-5 मैचेस होते हैं, सारे मैचेस को कवर करना, वीडियो बनाना मेरे बस के बाहर होता है, वीडियो बना के यूट्यूब पर डालना, तो बाकी और भी जो भी मैचेस होती है वो टेलीग्राम पे कवर करवाया जाता है, जिस मैच की मेरे पास श्योर शॉट अपडेट आई हुई होती है, तो उसके लिए मेरे भाई। तीसरी चीज़ कि मेरे भाई कई बार ऐसा हुआ है कि आफ्टर टॉस या चलती मैच के दौरान टीम चेंज हो गई है, तो मेरे भाई कई बार मैं टीम चेंज कर देता हूँ और मेरे भाई अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के भी देता हूँ टीम चेंज करने के बावजूद, और जीत के भी दिखाता हूँ। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। चलो बात करते हैं मेरे भाई सेकेंड T20I मुकाबले की, जो खेला जाएगा मेरे भाई 29 जनवरी को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे। और इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो ये मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेली जानी है, जहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल अब तक T20I के केवल 5 ही मुकाबले खेले गए हैं और 5ों के 5ों मुकाबले डिफेंड हुए हैं। फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम 5ों का 5ा मुकाबला जीता है। एक बार समझ लीजिएगा, जो भी टीम यहाँ पे पहले टॉस जीतेगी वो उम्मीद है कि वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्कोर आपको दिखता हुआ मिलेगा 172, ये क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट बैटिंग के स्कोर 172 है, तो हो सकता है 180-185 रन का आपको यहाँ पे गेम होता हुआ दिखे और ज़्यादा चांसेस देंगे मेरे भाई कि यहाँ पे डिफेंड हो जाए। पर ये भी ऐसा भी हो सकता है कि पिच बिल्कुल फ्रेश होगी, काफ़ी टाइम से मैचेस नहीं हुआ, पिच बिल्कुल नहीं होगी, तैयार होगी, तो यहाँ पे चेज भी हो सकता है। पर अगर स्टैट्स को देखा जाए, रिकॉर्ड को देखा जाए, तो 5 मैचेस हुआ है, 5ों का 5ों डिफेंड हुआ है। हाइस्ट स्कोर की बात की जाए इस मैदान पे तो इंडिया का रहा 199 रन 2 विकेट के नुकसान पे, लोवेस्ट स्कोर रहा है मेरे भाई अफगानिस्तान का 147 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और स्कोरिंग पैटर्न पे अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर एक बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ 2 बार लगा है, 170 से 189 का स्कोर यहाँ पे एक भी बार नहीं लगा, और 190 का ऊपर का स्कोर यहाँ पे 2 बार लगा है। देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अच्छी रन बना देती है और बाद में विकेट टूट जाती है, मतलब कि पिच टूट जाती है, और जहाँ से कि मेरे भाई बॉल में स्पिन होने लग जाती है, मतलब समझ रहे हो, कहने मतलब ये कि जहाँ पे अगर आपको 5 मैच केवल डिफेंड आपको दिख रहा है, वो भी जो जहाँ 5 ही मैच हुआ है, तो वहाँ पे विकेट कैसे होगी, क्योंकि खेलते के दौरान सिंपल सी बात है कि पिच टूट जाती होगी और बॉल में स्पिनर को स्पिन मिलने लगती होगी और बल्ले पर बॉल सही से आती भी नहीं होगी, जो भी अगर पेस बॉलिंग भी करे तो यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने वालों की करने के लिए थोड़ा सा प्रेफरेंस रहेगा, थोड़ा सा मदद रहेगा इस ग्राउंड पे, इस पिच पे। और दोनों टीमों के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। इंडिया की तरफ से ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, कुलदीप यादव, अर्षदीप सिंह, उमरान मलिक। और न्यूजीलैंड की तरफ से मेरे भाई फिन एलन, डेविड कॉनवे, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल और मिचेल सेंटनर, जॉब्स डफी, जैकब डफी, लोकी फर्गुसन, ईश सऊदी। और मैच प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो मेरे तरफ से अभी फिलहाल इस मैच का मैच विनर इंडिया रहेगा, इंडिया इस मैच को जीत सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा
टॉस के बाद मेरी अपडेट, मेरी चीज़ें चेंज भी हो सकती है और या फाइनल अपडेट मेरे सोर्सेज के थ्रू जो भी आएगी उसके बाद अपडेट चेंज भी हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरे फाइनल रिपोर्ट, फाइनल अपडेट मेरे भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जहाँ पर मेरे भाई आपको लंबी जैकपॉट इंटर विकेट कॉल के साथ काम करा कर दिया जाता है। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे भाई लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाली और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।